उसे समझने की आवश्यकता है दोस्तों। 18 तारीख को ये दुर्घटना हुई है, स्कूल से लौटते हुए संजलि के ऊपर मोटरसाइकिल सवारों ने सरेआम दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़क कर उस बच्ची को आग के हवाले किया है और उसकी हत्या की है। इसको लेके देश भर में गुस्सा, आप उसे साफ महसूस कर सकते हैं, उस गुस्से की लपटों को महसूस कर सकते हैं। सही मायने में हमारे पास इस तरह की खबरें हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और बंबई से लेके आसाम तक, जहां कहीं भी वो ताकतें सक्रिय हैं जो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने देश भर में विद्रोह की, विरोध की ज्वालाएं और स्वर सुनाई दिए हैं दोस्तों। सरकार से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्हें ये लग रहा था कि द्वारा से 2 अप्रैल का माहौल बन रहा है, इसलिए जिस तरह बाद में घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा गया है, अपने हिसाब से तथ्यों को रखा गया है, वो सरासर न्याय के साथ कुठाराघात है, न्याय की पीठ पे छुरा घोंपा जा रहा है। और इस पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। 18 तारीख की इस घटनाक्रम के बाद जब इलाज के लिए दिल्ली लाया गया, तभी से सरकारी तंत्र का उत्पीड़न इस परिवार को सहना पड़ रहा है। इसके एक परिवार को पूछताछ के लिए आगरा पुलिस ने बुलाया, और आप जानते हैं कि पर्याप्त पूछताछ के बाद आगरा के पूछताछ कार्यालय में हुई है, उस लड़के को दिल्ली लाया गया है, पीड़ित लड़की से मिलाया गया है, फिर वापस पूछताछ हुई है, और पर्याप्त पूछताछ के बाद उस लड़के को छोड़ दिया गया है। हमारे लिए हैरानी की बात यह है, एक स्वाभाविक सवाल है जो हम सबको अपने आप से भी पूछना पड़ेगा कि अगर वो लड़का दोषी था तो आगरा पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे क्यों छोड़ा, और अगर वो दोषी था, निर्दोष था, तो उसे भी दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया, ये समझने की आवश्यकता है। प्यारे साथियों, जब संजलि को बचाया नहीं जा सका और लाश उसकी आगरा गई, तो हम जानते हैं कि किस तरह से आगरा पुलिस ने इस परिवार का उत्पीड़न किया, जबरदस्ती परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की को जल्दी से जल्दी अग्नि के हवाले करने की, उसके संस्थान में ले जाकर जलाने की बहुत जल्दी की उन्होंने, और परिवार सहमत नहीं था, उसके बावजूद भी उसका देह संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। दोस्तों, प्यारे साथियों, उसके बाद भी आप जानते हैं कि परिवार का विरोध, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं का विरोध जारी था, और 25 तारीख को आगरा बंद का कॉल दिया गया था, और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे कि आगरा बंद के सफलतापूर्वक होने के बाद हम भारत बंद की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम समझते हैं कि भारत सरकार का खुफिया तंत्र, शायद उसे यह खबर लग चुकी थी कि देश भर का बहुजन समाज, देश भर का उत्पीड़न से लड़ने वाला समाज इस संघर्ष को बहुत अखिल भारतीय पैमाने पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। आगरा बंद से पहले ही एक शाम पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिक्लेयर कर दिया, ये साबित किया कि दोषी को पकड़ लिया गया है, और दोषी कौन, उसी परिवार के 2 युवक, और मुख्य दोषी कौन, वो व्यक्ति, वो लड़का जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसे निर्दोष मानकर इसी पुलिस ने, इसी आगरा पुलिस ने 2 दिन पहले छोड़ दिया था, आज उसी को ये मुख्य आरोपी को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो लड़का अपनी सफाई में आके कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।
शायद आगरा पुलिस को सबसे सहज सबसे आसान रास्ता ये लग रहा है कि उस मृतक नौजवान को दोषी करार दे दो और इस केस को सॉल्व दिखा दो, सुलझा हुआ दिखा दो और इस आधार पे इस केस को क्लोज कर दिया जाए। मेरे साथियों, ये एक दलित आंदोलन के साथ पूरी तरह साजिश है, इस पीड़ित परिवार को न्याय देने न्याय न देने की साजिश है और भारत सरकार जो आपकी एकता और संघर्ष से हिली हुई थी उस असहज स्थिति से बचने के लिए मोदी और योगी का षड्यंत्र है कि वो इस आंदोलन को हमारी आवाज को दबा देना चाहते हैं। हम इन लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये अनपढ़ और जाहिलों का समाज नहीं है। हमारे बीच में भी हजारों वकील हमारे बीच में मौजूद हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। हम अपने लंबे संघर्ष से ये जानते हैं कि आप साजिशों में माहिर हैं, आपने ये साजिश की है और हम आपकी साजिश को अच्छी तरह समझ रहे हैं, दलित समाज समझ रहा है और आखिरकार हम आपके इस साजिश का भी मुकाबला करेंगे और इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। हमारे इस आंदोलन को चलाने वाली कमेटी और पीड़ित परिवार, आगरे के संघर्षशील साथियों, जो भी मिलकर तय होगा आगे जो संघर्ष की रूपरेखा बनेगी, इस संघर्ष को हम आगे लेके जाएंगे और इस अन्याय के खिलाफ योगी और मोदी की साजिश को नाकाम करेंगे और अपने संजलि को न्याय दिलाने में, उसके कातिलों को पकड़वाने में, जो हमारी मांग है, चार सूत्री मांग है हमारी, जो हमने यहाँ पर प्रदर्शित की है और आखिरकार जो उन्होंने SIT का गठन किया है वो भी आपके संघर्ष के सफलता की तरफ एक कदम है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम CBI इंक्वायरी चाहते हैं और हम वास्तविक अपराधियों को पकड़े जाने तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम साहब।